शूज़ का मसला हो गया, ये शूज़ के लिए बैठी हुई कि इसको नए शूज़ पहने, ये अच्छे हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्या है तुम्हें? देखो इसको ज़रा, नाराज़ होकर बैठी है कि मैंने ये वाले पहने हुए और इसके ये वाले, इतनी प्यारी गुड़िया वाले शूज़ हैं तुम्हारे, आ जाओ आ जाओ। और क्योंकि वॉक पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं पानी की बोतल अभी यहाँ से भरने लगी, हो गई फुल हो गई, इतनी बड़ी है अभी तक फुल नहीं हुई, बस इतनी काफ़ी है। मैं ना नीचे जो है ना मेरा वेट कर रही है, एक तो हम लेट हो गए इन जूसों की वजह से क्योंकि मेरे को जूते नहीं मिल रहे थे। माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि अब सब ठीक होगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए पानी की बोतल कैसे मैंने पकड़ी हुई है। सुबह के 6:30 का टाइम हो रहा है और अभी हम सब वॉक पे जा रहे हैं, और नैना की वजह से, क्योंकि नैना कितने दिनों से तकरीबन 1 वीक से स्टार्ट उसने कर दी है और आज मेरे घर पर थी तो उसने सुबह सुबह मुझे भी उठा दिया कि नहीं वॉक पर चलते हैं, तो चलते हैं। तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं, मैं, नैना और उसके हस्बैंड के साथ, और घर के बिल्कुल करीब ही है पार्क, तो वहीं पार्क जाएँगे। ये लोग बोतल पकड़ो, मेरे लिए इतनी कम जगह रखे, थोड़ा सा आगे तो हो जाओ, थोड़ा आगे जाओ। ओहो पीछे बैल आ रही है, भागो। मैं ना मेरे पाँव रखने की जगह ही नहीं रखूँ। ये बाइक इनकी है ना, अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, जगह नहीं दे रहे मुझे सही से। हाँ मोटी हो गई हूँ ना, पता है ना, ज़्यादा जगह लेती हूँ। अभी ठंड भी लग रही है ना, सुबह सुबह ठंडी हवा चली हुई है। कहती है कल से कंबल लेके आना, बस पार्क पहुँच गए। चलो शुक्र है पहुंच गए। और देखो डॉग भी जो है ना वॉक पे आया हुआ है। मॉर्निंग में सुबह वॉक के लिए आओ ना तो इसमें फ्री होता है, कोई टिकट नहीं होती, और शाम में अगर आओ ना तो फिर टिकट होती है, घूमने फिरने के लिए वॉक की कोई टिकट नहीं है। अच्छा शाहरुख तो इतना पतला है, इसको वॉक की ज़रूरत ही नहीं है, ये बैठ रहा है पानी हमारा लेके और हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस साइड से जाएंगे, इस साइड से जाएंगे। ये भी शुक्र है कि मेरे ये वाले जूते मिल तो गए हैं, वरना बंद कोई भी मेरे पास शूज़ नहीं थे। और अभी जो है ना चुपचाप वॉक करते हैं, वरना बातें करते रहे ना तो वॉक नहीं हो पाएगी ना। कुछ बोलना चाहती? हाँ बोलो। तुम्हें पहचान मुझे जरूर पहचान कि ये पक्का यूट्यूबर। अच्छा। और 1 किलोमीटर का ना एक राउंड है पूरा इस पार्क का राउंड, 1000 मीटर है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर ना। अच्छा मैं बोली पता नहीं क्या बोलते हैं। एक राउंड लगा कर आते हैं फिर वापस फ़ोन उठाएंगे और टाइम नोट कर लेते हैं कितनी देर बाद एक राउंड हमारा पूरा होगा। लेकिन यहाँ से जो है ना पार्क काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो एक दफ़ा कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में सुकून कितना होता है ना। और यहाँ पर देखें योगा हो रहा है, योगा की क्लासेस दी जा रही हैं। अच्छा एक राउंड हमारा पूरा हो गया, पता नहीं शाहरुख कहाँ बैठा है। और एक राउंड पूरा हुआ 7:07 पे। पीछे आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था और यहाँ पे देखिए सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए अभी फुटबॉल ग्राउंड के पास आ गए हैं, और पहला जो राउंड था ना वो हमने काफ़ी तेज़ी में लगाया, अब स्लो हो गए हैं काफ़ी, सूरज भी निकल रहा है ना तो अब गर्मी फील हो रही है। चलो एक राउंड दूसरा बल्कि पूरा हो गया, अब चलते हैं देखते हैं शाहरुख कहाँ बैठा है, पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पहले पानी पीते हैं फिर घर चलते हैं। नहीं जाना, हमने पी लिया, देखिए इतना बचा है, थोड़ा सा बचा है, काफ़ी सारा पानी पी है, बहुत प्यास लगती है वॉक करने के बाद, और अब घर चलते हैं, थकावट हो गई है, अब सोने में मजा आएगा। हाँ चले भी आके हो जाओ, जगह बनाओ मेरी। अच्छा बैठती हूँ, एडजस्ट हो जाएंगे। चलो जी वापस हम अपने घर पहुँच गए, अब जो थकावट हो गई है ना मज़े की नींद आएगी अभी। आयत को देखिए कैसे मज़े से सो रही है, और बाकी माहम तैयबा दोनों इधर सो रही हैं, और अब मैं भी सोने लगी हूँ। आगे मेरा सिल्वर प्ले दिखाईगा, जल्दी से मुझे दिखाई जल्दी से। माशाल्लाह से मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया, और अभी इसकी थोड़ी देर तक अनबॉक्सिंग करेंगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे मिल गया है, इसको मैंने इतना लेट अप्लाई किया था ना इसलिए मुझे अब जाकर मिला। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, और देखो फीलिंग्स अपनी मैं। और हमें इसकी ट्रीट भी चाहिए, इसकी भी ट्रीट चाहिए। नहीं आपको सिल्वर प्ले बटन आया ना इस वजह से। अच्छा अच्छा चलो अभी मैं इसको रखती हूँ, बाद में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले नदीम भाई आए उनको कपड़े दे लें स्टिचिंग के लिए। नदीम भाई ये देखें मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह भाई। अब इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखें मेरे, तमन्ना के, मेरी सिस्टर के, सलमा के, अम्मी के, सबके कपड़े हैं जो कि नदीम भाई और तारिक भाई स्टिच करके हमें देंगे। नदीम भाई तो जा रहे हैं तो हमारे कपड़े जो है ना भाई को देके जा रहे हैं। मैं समझा के जाऊंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मेरा शागिर्द है और जैसे मैं सीता हूं मुझसे भी अच्छे सीता है। अच्छा फिर सही है, और भाई ने पहले भी मेरे एक दो बार ना सिलाई की है, इन्होंने सिलाई की है तो ये अच्छे सिलाई करते हैं, तो इसलिए मैं इन्हीं के लाया जी। बिल्कुल इनसे पहले मैंने स्टिच कराया है तो इसलिए मैंने कहा सही है फिर ये हमारे कपड़े सिलाई करके देंगे। अभी तमन्ना ने अपनी नाप दी है तो भाई वही लिख रहे हैं।
ये तमन्ना की ड्रेस है और मैंने भी अपनी नाप निकाली हुई है। इसको भी सारे भाई देख लें कि कैसे इनका गला तो बना हुआ ना, ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है। हाँ, और इस पे जाना शेरवानी आएगा भाई, शेरवानी आएगा अगर चाहेंगे तो, शेरवानी आएगा वरना वो जो आपने गला देखा है वो आएगा। हाँ, इसके हाँ इसके ऊपर भी अगर इस कलर के टसल लग जाए ग्रीन तो ये प्यारा लगेगा, और बैक साइड तो इसकी ये प्रिंटेड है जी। अरे एक भाई अच्छे अच्छे कपड़े सिलाई करके देने हैं आपने मुझे, सारे मैंने देखे पैक करके। हाँ इंशाल्लाह, उसको भी किसी को शिकायत नहीं होती। हाँ बिल्कुल। कब खोलेंगी? कब खोलूंगी? बहुत जल्द इसको भी खोलेंगे, सबका इंतजार हो रहा है। मुस्तफ़ा आ जाए ना, मुस्तफ़ा के साथ बैठ के खोलेंगे इसको। आप खुश हो? Yes. इसके ऊपर जो लिखा होगा ना सितारा यासीन, जो मेरे अब्बू का नाम लिखा होगा ना, उसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने जब अपने चैनल का नाम रखा था, सोचा था, तब ये सोच के रखा था कि कल को अगर मुझे ये सिल्वर प्ले बटन मिलेगा तो इस पर मेरे जब अब्बू का नाम होगा ना तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगेगा। और अब्बू की बहुत ज़्यादा भी याद आ रही है, जब मैं इसको खोल के देखूंगी ना मैं रो ना पड़ूँ बस। इसलिए मैंने बाबर सबको बुलाया कि सब आ जाए एक साथ, सब खोलेंगे तो देखेंगे। आपको पता है ये क्या है? कैसे पता है? बटन है। हाँ सिल्वर प्ले बटन है। अभी नहीं खोलना, थोड़ी देर सबर कर लो, बाबर आ रहा है फिर सब सारे एक साथ मिलके खोलेंगे। आप ही अनबॉक्सिंग करना, लेकिन पहले इसको सब आ जाए फिर एक साथ करेंगे। मुस्तफा को इतनी खुशी है कि अभी से बस देख लो निकाल के। आयत भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आयत को भी सिल्वर प्ले बटन देखना है। मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया। खैर मुबारक। तो ये रहा, अभी इसकी अनबॉक्सिंग नहीं हुई। नहीं अभी तक नहीं की, मैंने कहा आ जाए तो फिर खोलते यार। मुझे इसी घर का एड्रेस देना चाहिए, मेरी पिन भी जल्दी आ जाए। खबर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। नर्वस फील हो रहा है मुस्तफा, कह रही कहाँ से खुलेगा यहाँ से, यहाँ से इसको मार काट। और देखें कोई है ही नहीं हमारे साथ, नैना भी कहीं गई हुई है, दिलबर जॉब पे गया हुआ है, बस अभी हम और हमसे सबर नहीं हो रहा था। हमसे सबर नहीं हो रहा कि हमने देखना है तो बस देखना है, क्योंकि पहले भी एक साल लग गया इसके चक्कर में। इसका फेस नहीं, तो ब्लैक है। और भाई ये सर्टिफिकेट मिल गई इसको कि आप बहुत ही अच्छी यूट्यूबर हो, बस यही काफी है लोगों के लिए। और ये रहा हमारा सिल्वर प्ले बटन, और इससे भी मिलने हैं साथ में। और इसके बाद हमें ये मिलना है गोल्ड वाला, फिर मिलना है डायमंड वाला, ये भी बहुत जल्द आने वाले हैं इंशाल्लाह। पहले मैं इसको देख लूं सितारा यासीन प्रोसेसिंग और पासिंग। 1,00,000 सब्सक्राइबर, ठीक है अभी, ठीक है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। देखो इसको यहाँ पे लगा दो, ऊपर हाँ, लगा सामने देने। लगा देते हैं ना हाँ। बेड पे काफी प्यारा लगेगा, अच्छा लग रहा है। और इंशाल्लाह ऐसा बाबर को दिलबर को सबको मिलेगा इंशाल्लाह भाई। आयत ने नहीं देखा था, आयत देखिए अभी देख रही है, आयत क्या मिल गया। आयत को कार्टून कह रही है, कार्टून है आयत। और ये नाम देख के और ये अवार्ड देख के बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और इसी तरीके से अल्लाह पाक हर किसी को कामयाबियां दे। और देखें आज मैं बनाने वाली हूँ स्पैगेटी, उसके लिए मैंने सब्जियां सब कुछ मंगवा के रख दी है, और चिकन बोनलेस भी मैंने करा के रख दी है। अब सारी सब्जी को वॉश करना है, कट करना है, और बाद में फिर स्पैगेटी बनेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इनको कट कर लेती हूँ, इनको कट करके रख देती हूँ, वापसी पे पकाऊंगी। अभी मैं जाने लगी हूँ, हम सबकी पिक्चर पासपोर्ट साइज की पिक्चर मांग रहे हैं, जो हमने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है उसके ऊपर लगेंगी। तो पासपोर्ट साइज़ की मेरी तो एक पड़ी है लेकिन काफ़ी टाइम पुरानी है, तो अभी न्यू फिर मैं अपनी भी खिंचवा लेती हूँ, बाकी बच्चों की सबकी लगेगी, तो पहले वहाँ चल। अच्छा थोड़ी सी जाना, मैंने गाजर ही बस ऊपर से छीली है, और अभी मैं जाने लगी हूँ क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, पहले पिक्चर का करके आते हैं बाद में ये सारे काम करूँगी। चलो तैयबा, डंडा उठा के मार रही है सबको, डंडा उठा के सबको हत्ता हत्ता बोल रही है। तैयबा पीछे बैठो, आयत आगे बैठेगी, आप थोड़ा सा आगे हो जाए ना, बैठ जाएंगे हम, आगे हो जाओ तैयबा। हाँ बैठ गई, चलो। आयत ए फॉर एप्पल पढ़ रही है, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, कैसे याद किया हुआ है ये सब कुछ। आयत ने ना कार्टून पोइम से सुन सुन के ना सीख लिए, ये रही ना फोटोशॉप। चलो चलो सब, आयत को देखे सबसे पहले जल्दी है जाने की। आयत बैठ जाओ, पाँव नीचे करो, गुड गर्ल। अभी सबसे पहले मुस्तफ़ा की पिक्चर बनेंगी, बुला रही है आपको आ जाएं।
अपने बाल सही कर लो या मिरर में आ जाओ। वो सामने ब्रश रखा है, ब्रश कर लो। आपको क्या हुआ, आपने सबसे ज्यादा तंग करना है। पिक्चर बनवाते हैं, हाँ वहाँ पे बिठाना है आपको। अभी पहले भाईजान को बैठने दो, इसको भी छोटी सी सीट मिल गई बैठने के लिए। अपनी जगह कैसे ढूंढ लेती है। तैयबा मेरी बच्ची मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती, जहाँ पे भी जाती है ये आराम से एक जगह पर खड़ी रहती है। वो दोनों शरारती बैठे हुए हैं मेरे, जिसकी शरारतें जो है ना आती ही शुरू हो गई। देखो अभी इनको झूला खिला रही है, आज को कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता। यहाँ पे लाइटिंग देखें, लाइटिंग भी ऑन कर दी है स्टूडियो की। अभी हम वेट कर रहे हैं, आएंगे तो आपकी पिक्चर्स लेंगे। आयत आपको अच्छा लग रहा है ये सब करके, ऐसे घुमाने में आयत को मजा आ रहा है। बस हो गया, छोड़ दो। अब अंकल आ गए, अभी डांटेंगे। अभी इनसे थोड़ा आयत डरेगी, अब देखो भाग के आ रही है। चलो सारी लाइट्स ऑफ हो गई, आयत सब लाइट्स ऑफ हो गई। आप इधर आ जाओ, आप वापस आओ, आपकी बारी नहीं आई अभी। चलो इसको बिठा देते हैं, बिठाओ मुस्तफा। चलो आयत के लिए छोटी चेयर आ गई, इसको अभी सेट कर रहे हैं, ये बड़ा टाइम लगाएगी। सामने देख के उसका सर पकड़ के सीधा कर रहे हैं, ये पतनी रखती है नहीं। बन गई। ओके आयत बेटा मुंह बंद करो, थोड़ी सी ऊपर करो, हेड थोड़ा सा ऊपर करो, नॉर्मल से बैठो। अब सही है, अब देखो। चलो यहाँ देखो बेटा, इधर से मस्ती लग रही है। हाँ बस अब ठीक है। नहीं दो मिनट आयत आराम से खींचने ही नहीं दे रही। हाँ इसमें से देख ले, अगर ये सही है तो ये सही है, ये वो पहले वाला सही है। चलो तभी आप चले जाओ, चलो वापस आ जाओ, खत्म। बहुत तंग करी इसको, और बैठना है अभी, सामने देखना है तैयबा। बिल्कुल हो गई, आप फिर से आगे इसे पकड़ लेंगे। फोटो ऐसे बनवाएंगे, इधर बैठिए ना। ओके हेड स्ट्रेट करें, बहुत ज़्यादा हो गया। वापस आए, वापस आए, डाउन करें थोड़ा साइड पे, घुमाएं डाउन करें। आ गए, मम्मा ने बनवा दी। चलो आ जाओ, अब सब की हो गई। आ जाओ चलते हैं वापस घर। बैग जो है ना मैंने अपना उतार लिया था उस टाइम पे, इसको भी पहन लेते हैं और फिर चलते हैं। बस मेरी भी पिक्चर हो गई, शुक्र है। बस इसने बहुत तंग किया, अब आ जाओ, आ जाओ। फिर कहाँ ऊपर जा रही हो। हम जा रहे हैं, बाय 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 बाय। अंकल आ रहे हैं आपसे पूछते हैं, ये कितनी देर तक मिलेंगी। एक घंटे बाद आयत आ जाओ, अभी तक वहीं खड़ी है। तैयबा आपने क्लॉक देखी कितनी प्यारी है, कैमरे शेप में बनी हुई है। बस अभी यहाँ से पेमेंट करके फिर निकलते हैं, आयत ने बहुत परेशान किया हुआ है। अब अपने पापा के पीछे पड़ी गई है। और यहाँ पर देखें, आती ही बच्चों को प्राइस देख के भूख लग गई। आयत को भी बिठाओ मुस्तफा, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खानी आपको। हम आए थे पिक्चर्स के लिए और मुस्तफ़ा तैयबा को पता है कि आज हमारा सिल्वर प्ले बटन आया, तो उसकी मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है, बच्चों को खुशी है। तो इसी खुशी में जो है ना मीठा खाने आए हैं, आइसक्रीम और फ्राइज़ का। तैयबा कह रही है उसको फ्राइज़ खाने हैं, तो साथ में हम आइसक्रीम भी यहाँ की खा के जाएंगे। चलो तैयबा फ्राइज़ आ गए और मुस्तफ़ा ने देखे चिकन रोल ऑर्डर किया था और ये हमारी मंकी की तरह ना हमेशा ऊपर ही बैठती है। हाँ आइसक्रीम हो गई ऑर्डर। और देखिए सबकी आइसक्रीम आ गई। आयत ने देखे पिंक कलर में थी ना स्ट्रॉबेरी में, वो उठा ली, बच्चों ने ये उठा ली अपनी, और मैंने देखे पिस्ता वाली ऑर्डर की थी। और आयत देखें जब आइसक्रीम आई है तब जाकर अपनी सीट पर बैठी है, आइसक्रीम बस शौक से खाई जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। मुस्तफ़ा से देखा अभी थक गए, ख़त्म नहीं हो रही। तैयबा की भी ख़त्म नहीं हो रही और मेरी भी देखें ख़त्म नहीं हो रही। पिक्चर मिल गई हमारी। चलो यहाँ पे बच्चों ने इतना टाइम लगा दिया, एक घंटे का टाइम दिया था, इन सब ने आइसक्रीम भी खा ली और हमारी पिक्चर भी बन के आ गई। बैठो तैयबा, और ये देखिए मैंने बच्चों के लिए भी ले लिया साथ में। आज खुश हो, और हमेशा कहते हैं मम्मा आइसक्रीम नहीं खिलाती, आज खुश हो। ये एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है। मारा है इसलिए बहुत डर लगता है, इतनी बड़ी गाड़ी है, यहाँ गली से घुमाते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इतनी छोटी छोटी गलियों में इतनी बड़ी कारें लेते हैं, हम अपनी गाड़ी का कैसे करेंगे मुस्तफ़ा। हाँ हमारी इतनी तो खैर लंबी नहीं है। चलो मुश्किल से निकली है, चलो आ जा
आयत को नींद आ रही है, वो आंखें बंद कर रही है, नींद आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लाइट नहीं है क्या नीचे? सारी लाइट्स ऑफ है। आयत का असल में टाइम था ना सोने का, और शरारतें भी तो कितना करती है। अभी आप दोनों अपने ट्यूशन की तैयारी करो। शाबाश शाबाश, तैयारी करो जल्दी से, आपके पापा आपको छोड़ के आते हैं। अच्छा अम्मी की जो है ना कॉल आ गई, अम्मी से इतनी देर बातें मेरी चल रही थी। और देखें बाबर ने जर्दा भिजवाया हमारे घर पे, और यहाँ पर देखें मेरा सालन भी जल गया, बल्कि स्पैगेटी का जो मसाला बना रही थी वो कॉर्नर से जल गया। वीडियो शूट ज़्यादा नहीं हो पाई, मसाले देखें सारे कटे हुए हैं। बस अभी सब्जियाँ डालने वाली थी कि बाबर आया ये जर्दा देने के लिए। फिर तो तमन्ना से कह के गई थी कि गाजर कट कर देना, और देखिए इतनी बड़ी बड़ी कट की हैं। अभी इनको फिर भी मैंने थोड़ा बारीक कट किया है, ये बहुत मोटी कटी हुई थी। बाकी मसाले सारे फ्राई हो गए हैं, और अब गाजर भी अपनी ऐड कर देते हैं, और इसमें कैबेज भी ऐड कर देते हैं, और इसमें जो है ना अभी मैं सोया सॉस ऐड करने, सॉरी सिरका ऐड करने लगी, और आप सोया सॉस इसमें ऐड कर लेंगे। और ये सारी सब्जियाँ जो है ना हमारी पक चुकी हैं, अब स्पैगेटी को जो है ना बॉयल कर लेते हैं। आयत वेयर इज आयत? देखिए मेरा बेबी कैसे छुपा हुआ है, फिर से छुप गई। मम्मा का शहजादा बेबी कहाँ गया? मेरा आयु बेबी कहाँ गया? पिकाबू पिकाबू। अच्छा स्पैगेटी मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है, और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा बॉयल हो जाए, फिर बाद में आके चेक करते हैं इसको। जब तक बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं सब। और यहाँ पर इनका ड्रामा चल रहा है बालवीर, और यहाँ पर हमारी माओ का कर रही है बैठ के। हमजा भी आया हुआ है, मुस्तफ़ा है देखिए इसके साथ खेल रहा है। अच्छा बाहर जाना, मैंने ये बड़ी वाली शीट बिछा दी है, यहाँ पर बैठ के सब खाना खा लेंगे आराम से। और दूसरी बात, इस रूम में जो है ना अब लाइट कम होती है, इस वजह से खाना यहाँ पे नहीं खा रहा है, क्योंकि ये जो ट्यूबलाइट है ना यहाँ फुटबॉल लगी है और ये टूट गई है, तो यहाँ पर ट्यूबलाइट अभी लगवानी है, इस वजह से यहाँ अंधेरा रहता है, तो सब बाहर बैठ रहे हैं। आयत को देखें मैंने थोड़ी सी निकाल दी, बैठ के खा रही है। स्पाइसी तो ये बहुत बना है, लेकिन नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है। चलो आप तो खाएं, इनको भी ड्रिप लगी है, दिखाएं ड्रिप लगी है ना, अभी अभी ड्रिप लगवा के आए हैं। ये बाबर की वाइफ हैं, और बाबर कहाँ गया? बाबर नीचे, बाबर को भी बुलाओ ना खाना खा ले। ये लो मम्मा आप भी ले लो। अरे मेरा शहजादा बेबी भी आ गया। आयत को तो स्पैगेटी बहुत पसंद है। आयत तई बार हो रही, आ जाओ तई, बाप भी आ जाओ। बच्चे ने इनकी लड़ाई कभी नहीं खत्म होती। आ जाओ ना, आ जाओ, गलती से उससे लग गया ना, आ जाओ। देखो तैयबा को ले कैसे कहती है, बैठो आगे होके बैठो, देखो आपसे कितना प्यार करती है। आप रो रही थी, आपको ले आइए, कहती है सही होके बैठो, लेग्स क्लोज करके बैठो, ऐसे बैठो जैसे कहती हूँ मैं बैठी हूँ। चलो बाबर भी आ गया, आ जाओ अभी सब मिल के बैठ के खाना खाओ। नहीं खाना? चिकन है? हाँ चिकन भी है, खाओ। आ जाओ बैठो, इधर से बैठो। और आयत के लिए देखो मैंने वाइट निकाल दी। का खाना जो है ना सबने खा लिया, और देखें चाय भी साथ साथ रेडी हो गई। नैना तो चाय नहीं पिएगी ना? नहीं पिएगी, क्यों नहीं? नहीं नैना को चाय पसंद नहीं है, बस मैं सुमेरा और बाबा। चलो सिर्फ हम तीनों की है, नैना की नहीं है, क्योंकि नैना नहीं पीती। नदीम भाई बहुत हंसाते हैं, उनके जो डायलॉग है अभी ये दोनों पर दिखाई। नहीं नहीं हम सब ना एक लाइन वैसा। नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता। ये और स्लीम की जो आवाज निकालता है। चलो बाबर तुम निकालो, और फिर बोलता दो चीजें। चलो चाय सबने पी लिए, और ये भी अभी जाने लगे, हम लोग जाने लगे। हाँ अब ये जाने लगे बस चले, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। और हम लोग फिर से बोलेंगे कन्ने कन्ने। अब जब तक नदीम भाई नहीं आते, इनके डायलॉग हम ऐसे याद करते रहेंगे। मामू तो आज चले गए, हमें हाँ। जो ना थोड़ा दुखी करके हाँ, अकेला कर गए हमें। आज इनका घर भी देखे वीरान वीरान, अकेला हाँ। बंदा भी चला जाए ना, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आज पूरा घर हमारा ऐसे खाली खाली लग रहा है। जॉनी जॉनी। अच्छा इनकी मस्तियां तो चलती रहेंगी, ये नहीं सोने वाले। और यहाँ पर देखें तमन्ना ने मास्क तैयार किया, जो कि खुद वो लगा के जा चुकी है, और मेरे लिए इसने बचा के रखा है। और ये कुछ टाइम पहले मुझे गिफ्ट मिला था, ऑर्गेनिक हब की तरफ से रॉयल फेस पैक है। इसको आज मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करने लगी हूँ, और इसका रिजल्ट देखते हैं कि कितना ये वर्क करता है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि इसमें हमने थोड़ा सा
लिक्विड इसमें आपको ऐड करना होता है, ये बिल्कुल ड्राई होता है, तो इसमें मैंने दूध ऐड किया है। आप इसकी जगह रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। पैक जो है ना, मैंने पूरा इसको अप्लाई कर लिया है, पूरा मेरे फेस पे आ गया, तमन्ना ने भी लगा लिया, मैंने भी लगा लिया। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट तक इसको रखना है और फिर इसको वॉश करने के बाद देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हैरान है कि मम्मा का फेस को क्या आ गया, फेस चेंज हो गया मम्मा का। फर्स्ट जो है ना, मैं अपना करके आ गई हूँ और देखिए अभी सोने का भी टाइम हो गया, जगह बन गई है। आयत को देखिए अभी तक अपने कार्टून में है और माओ को देखो, माओ भी वेट कर रही है। अभी आप दोनों सो जाओ, अभी खेलो नहीं, टाइम देखो क्या हो रहा है, 1 बज रहा है, 1 से भी टाइम ऊपर हो गया। और मुस्तफ़ा को देखिए, मुस्तफ़ा इधर टीवी देखते देखते ही सो गया, अभी नींद में उठा हुआ है। दूसरे रूम में सोना है मुस्तफ़ा, नींद में उठा फिर से दोबारा सो गया। अब जाकर मैं भी सोती हूँ, टाइम भी बहुत हो गया, व्लॉग भी एंड करते हैं। दूसरी बात, जो अभी मैंने मास्क अप्लाई किया था, स्किन इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी लग रही है। और इसके अलावा थैंक यू सो मच, दिल से बार बार मैं बोल रही हूँ, जितना भी आपका थैंक यू करूँ उतना कम है, क्योंकि आप सब ने मिल के, एक दो लोगों ने नहीं, सब ने हज़ारों लाखों में मिल के मुझे इस मकाम तक पहुँचाया कि आज मुझे मेरा सिल्वर प्ले बटन मिला। आज जहाँ एक इंसान एक तकलीफ में होता है ना, वहाँ पर तकलीफ़ देने वाले और ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो ऐसा मकाम वहाँ पर आ जाता है कि हम अपने आप को ख़त्म कर दें। जहाँ पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ एक तकलीफ़ थी और मिल रही थी, लेकिन वहाँ से आप सब ने मिल के, लाखों की तादाद में मिल के मुझे वहाँ से निकाला और मुझे यहाँ तक लेकर आए, जिसको मैं कहती हूँ कि मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिए। और जब मैंने चैनल का आगाज़ किया था, मैंने ये सोच के नाम लिखा था सितारा यासीन, के मुझे कल को, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा इतना जल्दी या फिर ऐसा कुछ। मैंने कहा हो सकता है कल को मुझे भी, जैसे बाकी सबको सिल्वर प्ले बटन मिलता है, कल को मुझे मिले तो उसमें मेरे अब्बू का नाम होना चाहिए, जो कि आज मैंने अपने अब्बू का नाम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। काश के मेरे अब्बू होते तो बहुत प्राउड फील करते, उनको बहुत अच्छा लगता ये सब देख के। लेकिन हो सकता है मेरे अब्बू मुझे देख रहे हों, मुझे देखते हों, मेरी सक्सेस देखते हों और मुझे उनकी दुआएँ मिलती हैं। और थैंक यू सो मच, आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपकी लाइफ में ऐसे ही खुशियाँ दे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे और अल्लाह पाक हर किसी की परेशानी दूर करे। जो जो मेरे लिए सोचते हैं, मैं क्या, मुझे इतनी परेशानी में उन्होंने देखा और मेरा साथ दिया, अल्लाह पाक उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। जो दूसरों की परेशानी को देख के उसको सपोर्ट करते हैं और उसको साथ देते हैं, जो कि आप उनमें से हो। और इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने का, कमेंट्स करने का, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नया व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।